हाय एवरी वन वेलकम बैक टू लीड कोडिंग आई एम फराज़ और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अमेजोन के डिटेल्स सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में ठीक है आप लोगों को पता है कि अमेजॉन का जो रिसेंट सी टी सी है दैट इज़ फोर्टी फाइव पॉइंट फाइव लैक्स ठीक है अब इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है एंड कौन सी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं विच यू गेट अपार्ट फ्राम दिस सी टी सी इस सी टी सी के बाद भी आप लोगों को और क्या क्या मिल जाता है ठीक है तो वो पूरा डिटेल ब्रेकडाउन देखेंगे कितना आपके बैंक में आने वाला है कितना आपके स्टॉक्स में रहने वाला है बट बिफोर बी मूव हैट दिस व वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉर यू ऑल अगर आप लोग भी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोर्थम की तैयारी कर रहे हैं टू क्रैक एनी प्रोडक्ट बेस्ट कंपनी देन कोडिंग निन्जाज इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू प्रिपेयर एंड यहाँ पर जो कोर्सेज हैं उन पर आपको हंड्रेड परसेंट तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है बाई गिविंग दिस स्कॉलरशिप टेस्ट ठीक है तो ये टेस्ट आपके कभी कभी आते हैं एंड अगेन कोडिंग निजाज इज गंग टू कंडक्ट दिस टेस्ट एंड द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग इस टेस्ट में रजिस्टर कर सकते हैं सिर्फ फोर्टी एट रुपीज़ फीस है रजिस्ट्रेशन की एंड देन यू कैन गिव द टेस्ट अब इस टेस्ट में क्या होगा तो बेसिकली आपके अबाउट थर्टी एप्टी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड अकॉर्डिंग टू योर रैंक यू विल बी गिवन ए स्कॉलरशिप अप टू हंड्रेड परसेंट अकॉर्डिंग इंडिया के जो कोर्सेज हैं उनकी बेस्ट चीज़ ये है कि दीज कोर्सेज आर प्रिपेयर बाई द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जो कि ऑलरेडी बहुत लोगों को पढ़ा चुके हैं एंड बहुत लोगों की प्लेसमेंट लगवा चुके हैं अपार्ट फ्रॉम दैट यू ऑल्सो गेट अ वेरी गुड टी ए सपोर्ट अब टी ए सपोर्ट क्या होता है तो बेसिकली अगर आप लोग प्रिपेयर करते करते कहीं अटक जाते हैं किसी क्वेश्चन में अटक जाते हैं देन यू कैन गेट समबड़ी हु कैन टेक यू आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम इन फ्यू आवर्स ठीक है आप लोग कहीं भी ऐसे स्टक होके काफी दिनों तक नहीं रहने वाले हैं सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग विच आई लाइक अबाउट ठीक है तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दी 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 हुई है फॉर फॉर टेस्ट टेस्ट गो एंड 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 रजिस्टर बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना गेट स्कॉलरशिप्स ठीक है हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी और देखते हैं कि वॉट इज दी बेस सैलरी ऑफ एमेजोन बेस सैलरी बेसिकली वो सैलरी होती है जो आपके बैंक अकाउंट में आती है ओके सैलरी तो सारी बैंक अकाउंट में आती है लेकिन ये जो सैलरी होती है ना ये आपकी पर मंथ के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड होती है ओके सो द बेस सैलरी इज 15.5 पॉइंट फाइव लैक्स साढ़े पंद्रह लाख जो रुपए हैं इनको आप बेसिकली 12 से डिवाइड कर सकते हैं फिर जो फिगर आएगा दैट विल बी योर मंथली सैलरी ओके ओके ऑब्वियसली उस मंथली सैलरी पे आपको टैक्स देना पड़ेगा अगर आप लोग टैक्सेस की स्कीम है सेवरल स्कीम्स होती हैं टैक्स सेविंग की अगर आप लोग वो ऑप्ट करते हैं तो आपको थोड़ा कम टैक्स देना पड़ेगा आप लोग कोई भी स्कीम ऑप्ट नहीं करते तो आपको एक ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा दैट डिपेंड्स ऑन यू ओके तो ये आपकी हो गई बेस सैलरी ठीक है अब इसके बाद दैट इज बोनस तो बोनस हमारा फर्स्ट ईयर के लिए भी है सेकंड ईयर के लिए भी है दिस इज साइन ऑन बोनस जब आप लोग कंपनी ज्वाइन करते हैं तो वो साइन ऑन बोनस कहलाता है ठीक है दिस इज दाइन ऑन बोनस साइन ऑन बोनस आपको मिलने वाला है नाइन पॉइंट फाइव लैक्स फॉर द फर्स्ट ईयर ठीक है अब आप लोगों को सेकंड ईयर के लिए भी बोनस मिलेगा दैट इज सिक्स लैक्स ये आपका सेकंड ईयर का साइन ऑन बोनस है ओके okay? अब ये बोनस आपको कैसे मिलेगा ऐसा नहीं है कि आपको एक साथ साढ़े नौ लाख रुपए दे दिए जाएंगे या एक साथ छह लाख रुपए दे दिए जाएंगे तो बेसिकली जो साढ़े लाख है ये भी आपके डिवाइड बाई ट्वेल्व कर दो और जो बनता है वो आपका पर मंथ के हिसाब से आएगा ये भी आपका डिवाइड बाय ट्वेल्व कर दो तो इसका तो पचास बनता है तो पचास आपका पर मंथ के हिसाब से आएगा अगली साल ओके okay? तो ये हमारे दो मेजर कंपोनेंट हो गए अपार्ट फ्रॉम दैट द नेक्स्ट कंपोनेंट इज दी स्टॉक्स ठीक है कंपनी आपको स्टॉक्स भी देती है मतलब कंपनी के शेयर भी देती है वो शेयर हैं लगभग तेरह लाख के ओके थर्टीन लाख फोर्टीन थाउजेंड के आसपास के ये आपके शेयर्स हैं लेकिन इनको आप एक साथ नहीं निकाल सकते ऐसा नहीं है कि ये तेरह लाख आप लोग जब मर्जी जब निकाल पाओ इसका बेसिकली सर्टेन टाइम होता है ठीक है तो इसमें से जो पांच परसेंट है थर्टीन लैक्स के जो पाँच परसेंट है वो आपको मिलेंगे फर्स्ट ईयर खत्म होने पर और ऐसा नहीं है कि आपको मिलेंगे ही मिलेंगे आप लोग अगर निकालना चाहते हो तो निकाल लो अगर रखे रहने देना चाहते हो तो रखे रहने दो उसमें कोई दिक्कत नहीं है देन आपको अगली साल पंद्रह और इसके ही पंद्रह और मिल जाएंगे अगर आप निकालना चाहते हैं तो ठीक है वन पड़े रहने तो कोई दिक्कत नहीं है देन नेक्स्ट ईयर आपको 40 परसेंट मिल जाएंगे और उसके भी नेक्स्ट ईयर आपको और 40 परसेंट मिल जाएंगे ठीक है तो यहां पर ऐसा नहीं है कि साल खत्म होने पे 40 मिलने वाले हैं आपको छः महीने में 20 परसेंट और छह महीने में और 20 परसेंट मिल जाएंगे इस तरीके से होता है ये भी सेम है ठीक है चलो यानी स्टॉक्स की बात की तो चार साल में आप अपने पूरे के पूरे तेरह लाख रुपए निकाल सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि चार साल में तेरह ही रहें बिकॉज कंपनी जैसे जैसे ग्रो होती जाती है तो ये आपकी ग्रो होते जाते हैं कंपनी के साथ साथ कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो डबल हो गई तो ये भी आपके डबल हो जाएंगे अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे जैसे आप लोग ग्रो करते हैं अच्छा परफॉर्म करते हैं तो कंपनी भी आपको रोकने के लिए वहाँ पर आपको स्टॉक्स भी और दे देती है जैसे अगले साल अगर आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया ओके अगले साल आपको और मिल जाएंगे स्टॉक्स पाँच लाख के छः लाख के वो भी इसमें ऐड होते रहते हैं ठीक है तो, तो हमने बात करी स्टॉक्स की अब हम लोग थोड़े से अदर बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं लेकिन उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इसमें से पहली साल में क्या स्ट्रक्चर हुआ मतलब पहली साल में कितना मिलने वाला है आपको ये चीज मिलेगी ये चीज मिलेगी दोनों मिला के कितना होता है सोलह प्लस नौ इज गोइंग टू गिव यू ट्वेंटी फाइव लैक्स है ना आपका बन जाएगा पच्चीस लाख के आसपास तो ये आपको मिलेगा फर्स्ट ईयर में बाकी इसका पांच परसेंट तो बहुत कम आएगा तो वो आपको इग्नोर कर देना चाहिए अभी के लिए देन अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर बेनिफिट्स एज वेल तो बेनिफिट्स की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर बेनिफिट्स में भी काफ़ी अच्छे अच्छे बेनिफिट्स हैं आप लोग को सुनकर मजा आ जाएगा तो बेसिकली द फर्स्ट बेनिफिट इज द वन पॉइंट फाइव लैक्स का आपको मिलता है रिलोकेशन अलाउंसेज मतलब जैसे आप लोग एक प्लेस से दूसरी प्लेस से मूव करने वाले हैं टू जॉइन तो आपको रिलोकेशन अलाउंसेज मिलते हैं अभी डेढ़ लाख की जगह दूसरा ऑप्शन ये है कि आप लोग अमेजोन के ही किसी अकोमोडेशन में आकर रह लें अमेजन ही आपको अकोमोन प्रोवाइड करा देगा बट वो कोई जनरली लेता नहीं है, तो आपको ये डेढ़ लाख रुपये मिल जाएंगे ओके देन अपार्ट फ्रॉम दैट यू ऑल्सो गेट इंटरनेट अलाउंसेस हर महीने आपको साढ़े बारह सौ रुपए के इंटरनेट अलाउंसेज मिल जाएंगे हर महीने एवरी मंथ देन अपार्ट फ्रॉम दैट इसके बाद फूड अलाउंसेज मिल जाते हैं तो फूड अलाउंसेज भी आपको लगभग एलेवन हंड्रेड की मिल जाएंगे पर मंथ अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रैवलिंग अलाउंसेज तो ट्रैवल करने के लिए आपको फिफ्टीन हंड्रेड से लेकर के फोर थाउजेंड तक रुपीज़ मिल जाएंगे पर मंथ अब ये डिपेंड करता है आप लोग किस सिटी में बेसिकली दिल्ली में होंगे या कोलकाता में होंगे या फिर बैगलोर वगैरह में होंगे तो आपको ज्यादा मिलेगा आप बाकी सिटीज में थोड़ा कम है पंद्रह सौ रुपये ओके अपार्ट फ्रॉम दैट आपके कई सारे इंश्योरेंस होते हैं जैसे कि मेडिकल इंश्योरेंस है आपका हेल्थ इंश्योरेंस है आपका आ, देन यू हैव द लाइफ इंश्योरेंस तो बात कर लेते हैं जरा इंश्योरेंस की भी तो आपको मिलने वाला है एक मेडिकल इंश्योरेंस पांच लाख रुपए का ठीक है पांच लाख तक का मेडिकल इंश्योरेंस मिल जाएगा आपको और इसमें कवर हो जाएंगे आप आपके पेरेंट्स और आपकी वाइफ या फिर आपके हस्बैंड एंड देन यू हैव द लाइफ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस है आपके जो बेस सैलरी है उसका फोर टाइम्स इसको चार से मल्टीप्लाई कर लो उतना आपको लाइफ इंश्योरेंस मिल जाएगा लाइफ कवर ओके अपार्ट फ्रॉम दैट यू ऑल्सो हैव द एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो कि इसका थ्री टाइम्स होगा बेस सैलरी का थ्री टाइम्स दैट इज द एक्सीडेंटल इंश्योरेंस तो यही सारी चीजें हैं अपार्ट फ्रॉम दैट आपके रेगुलर हेल्थ चेकअप्स होते हैं और कुछ पार्टी वगैरह पे मतलब कुछ ओकेजन वगैरह पे गिफ्ट्स वगैरह भी मिलते रहते हैं दिस वाज द सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ एस डी ई वन एमेजन इंजीनियर काफ़ी डिटेल में मैंने बता दिया है बाकी टैक्स वगैरह की कैलकुलेशन आप लोग खुद से कर लेना सबकी अलग अलग स्कीम होती है टैक्स की सो दिस इज इट फॉर द वीडियो अगर आप लोग भी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्रैक करने का सोच रहे हैं सो स्टिक टू द चैनल आई विल बी अपलोडिंग मोर एंड मोर कंटेंटेंट डीएसए का कंटेंट हो गया इंटरव्यू प्रेप का कंटेंट हो गया पार्ट फ्रॉम डी एस ए सारा कुछ आने वाला है चैनल पे सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल और बेल आइकन भी जरूर दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना थैंक यू